मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं लड़कियों के कि सर हमारे सुपरवाइजर की स्लिप, हमारे सुपरवाइजर को पेपर को पोस्टपोन करा दो या पोस्टपोन हो जाना चाहिए। मतलब सीरियसली यार, मतलब अगर आप ऑन एन एवरेज 10 आवर्स पर डे पढ़ते हैं, 10 में से 4 आवर्स आपको देने ही देने हैं स्पेशलाइजेशन को, ठीक है, और 6 घंटे आपको आपको इसको जीके को देने हैं, ठीक है। बट इतना तो मुझे नहीं लगता कि भाई। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आज के इस एपिसोड में, और ये आज का एपिसोड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम JKSSB फीमेल सुपरवाइजर एक्सपीरियंस के लिए लास्ट की जो 7 डे स्ट्रेटेजी है, क्योंकि आपके पास 10 दिन अभी बचे हैं, तो स्टिल मैं यहाँ पे 1 वीक लिखता हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स बहुत सारे लोगों के पास ये 1 हफ्ते तब बचा होगा और तब ये वीडियो पहुंचेगी, तो बेटर विल बी 7 डे स्ट्रेटेजी। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं बगैर किसी फर्दर डिले के। देखो यार, ज्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम काफी ज्यादा प्रीशियस है। अभी आपकी रिविजन चल रही होंगी, आपके मॉक टेस्ट चल रहे होंगे, तो मैं आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखो सबसे पहली बात तो ये कि आपने क्या करना है कि आपने अपने पहली चीज ये आइडेंटिफाई होनी चाहिए, आपको आइडेंटिफाइड होनी चाहिए कि आपका जो वीक एरियाज हैं कौन कौन से है आपके एरियाज, मतलब वीक एरियाज यानी कि आपका कौन कौन से वाले सेक्शन में आपको प्रॉब्लम होती है, कौन कौन से सेक्शन में आपको डिफिकल्टी होती है, ये चीज आपको क्लियरली पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारी गर्ल्स की ये शिकायत है कि हमारा मैथ्स का पेंडिंग है, ठीक है। देर वॉज अ गर्ल टेक्सटिंग मी ऑन टेलीग्राम और शी वॉज कि सर मैथ्स का इतना ज्यादा है कि मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। मतलब लिटरली आप सिलेबस नहीं देख रहे हो, आप सिलेबस में देखिए, सिलेबस में आपका मैथ्स आपका टोटल 5 मार्क्स का है, ठीक है, आपका रीजनिंग 5 मार्क्स का है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और 5 मार्क्स में भी 5 टॉपिक्स हैं आपके ईच, ठीक है, 5 टॉपिक्स हैं आपके दोनों के, रीजनिंग के भी और मैथ्स के भी। तो इसमें इतना ज्यादा घबराने की और आप दिन भर पूरा दिन भर दो दो तीन तीन चार चार दिन कंटिन्यू और 18-18 घंटे आप मैथ्स की प्रैक्टिस करोगी तो थिंग्स विल नॉट गो इन अ गुड मैनर, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट कि आपका बहुत अच्छा मैथ्स है और आप इतना ज्यादा आपको लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको मैथ्स में बेसिक चीजें करनी है, फॉर्मूलाज रटने हैं, ठीक है, और आपने टॉपिक्स को पढ़ना है, क्वेश्चन के बेसिक मतलब क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगर निकलता है उस दिन क्वेश्चन तो ठीक है, अगर नहीं निकलता तो कोई बात नहीं, उसकी वजह से आपका जो बाकी का पोर्शन आपका वो रुइन नहीं होना चाहिए, आपका मिस नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, आपका मॉक टेस्ट एनालिसिस। देखो अभी जो हमने अभी रिसेंटली अपनी ऐप पे सेक्शनल मॉक टेस्ट लाए हैं, प्री मॉक टेस्ट लाए हैं, वो इसलिए क्योंकि आप सेक्शनली आप खुद को टेस्ट करें। जैसे स्पेशलाइजेशन का Unit 1, Unit 2, Unit 3, 4, 5, लाइकवाइज फिर पूरा स्पेशलाइजेशन, पहले हमने यूनिट वाइज टेस्ट लिए, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप पे दे दिए आपको, ठीक है। और यूनिट वाइज टेस्ट देने के बाद हमने क्या काम किया कि हमने एक फुल स्पेशलाइजेशन का 60 क्वेश्चंस का जो है एक टेस्ट लिया, ठीक है। और उसमें अगर आप देखेंगे तो आपकी जो मतलब आपकी जो कॉम्पिटिटर्स हैं, दे आर स्कोरिंग 58 आउट ऑफ 60, ठीक है। तो वो आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दें, ठीक है, सेक्शनल मॉक टेस्ट दें, मॉक टेस्ट देने के बाद ही आपको यू विल गेट टू नो कि आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, आपको कहाँ नहीं आ रहा है, आपको जो है वो क्या चीज टफ लग रही है और क्या चीज इजी लग रही है, ठीक है। तो इस चीज पे जो है वो ध्यान दें। अब सेक्शनल मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो आप हमारी मोबाइल एप्लीकेशन पे आ सकते हैं। अभी देखिए, सेक्शनल मॉक टेस्ट के अलावा हमने फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अपने ऐप पे शेयर किया था, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट आप वो दे सकते हैं, और आज या कल में हम और कुछ मॉक टेस्ट फुल लेंथ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो वो आप जरूर देखिएगा। आपने हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से आप जाके इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से आपको फ्री कंटेंट में ही मिलेगा। उसके बाद है रिवर्स लर्निंग। क्या है रिवर्स लर्निंग का मतलब? ये है, देखो यार, असल में बहुत सारे लोग पता क्या गलती करते हैं, आई नो बहुत सारी आप में से बहुत सारी गर्ल्स हैं जिनका 99% जिनका 100% सिलेबस सारा कवर है, लेकिन वो क्या कर रही हैं, वो सिर्फ अपने नोट्स को पकड़ रही हैं और सिर्फ रट्टा मार रही हैं, बस उसी चीज को बार बार रिवाइज करती। इनफैक्ट हम मतलब लड़के भी ऐसी चीजें करते हैं,
ये चीजें एस्पिरेंट से होती हैं लास्ट मोमेंट पे जब उनको कुछ दिन बचे होते हैं कि बस वो चीजों को रट लेते हैं और उससे क्या होता है कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उससे उनको पता नहीं होता, उनको प्रैक्टिस नहीं होती और उसके बाद वो गलत करके आते हैं। तो क्या काम करना है, रिवर्स लर्निंग करनी है। रिवर्स इन द सेंस की देखो, अभी फॉर एग्जाम्पल मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में आपने अगर नोट्स बनाए हैं या आपने तरुण गोयल से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, आपने जीके से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है आपने, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में अगर मान लो कोई भी टॉपिक आता है, आपने पढ़ लिया, जैसे जैसे आ गया मॉडरेट फेज। अब मॉडरेट फेज पे जो है आपको आपके नोट्स लिखे होंगे और अब आप क्या काम करोगे, फिलहाल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे। गूगल पे जाओ, एमसीक्यू ऑन मॉडरेट फेज या गांधीयन फेज आप सर्च करो, फिर वो एमसीक्यू अटेंड करो और उसके बाद देखो अगर जो आपका गलत होता है क्यों होता है, और फिर आपके उसमें नोट्स में ऐड करो, वो फैक्ट आप ऐड करो, ठीक है। ऐसे प्रैक्टिस करो आप, ऐसा नहीं है कि पूरे हफ्ते पूरा दिन आप एक सब्जेक्ट को दे रहे हो जो चीज आपको बहुत ज्यादा जो है वो हिट करेगी बाद में। उसके बाद होता है आपका माइंड मैप्स एंड विजुअलाइजेशन। देखो यार, यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, लेट मी जस्ट रब इट एंड देन मैं आपको बताता हूं। असल में पता क्या होता है यार, देखो लास्ट मोमेंट पे लोग क्या करते हैं कि वन सब्जेक्ट फॉर वन डे करते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत गलत है। अभी जो रिवीजन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, अभी रिवीजन की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, अभी आपको फोर कंपोनेंट्स पर डे, या तो आपका भाई इतना ज्यादा भी आपका सिलेबस टफ नहीं है, इतना ज्यादा भी आपका जो सुपरवाइजर का सिलेबस है इतना ज्यादा भी लेंदी नहीं है कि नहीं आप नहीं कर पाओगे, तो आपने क्या काम करना है कि आपने सारे कंपोनेंट्स को जो है वो टाइम देना है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, आपका 60 मार्क्स का स्पेशलाइजेशन है, ठीक है, और 60 मार्क्स का आपका जीके है जिसमें आपका मैथ सारी चीजें आती है, गोया कि आपका कम से कम ये जो स्पेशलाइजेशन है इसमें आपका 40% ऑफ द टाइम ऑफ द डे आपका 40% ऑफ योर टाइम जो है वो जाना चाहिए, और ये जो है आपका जीके ये इसमें आपका 60% टाइम जाना चाहिए। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर समझाना चाहूंगा, जैसे अगर आप ऑन एन एवरेज 10 आवर्स पर डे पढ़ते हैं, 10 में से 4 आवर्स आपको देने ही देने हैं स्पेशलाइजेशन को, ठीक है, और 6 घंटे आपको इसको जीके को देने हैं, ठीक है। बट इतना तो मुझे नहीं लगता कि भाई इतना कम बच्चियां पढ़ेंगी, 10 घंटे पढ़ेंगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप लोगों से कि आप 10 से 10 to 16 आवर्स जो है वो पढ़ती होंगी आज, क्योंकि आज लास्ट कुछ ही एक हफ्ता बचा है, तो इतना तो भाई आप कर ही सकते हो, ठीक है। लास्ट के दिन बहुत खींचना पड़ता है और खींचना भी होता है, ओके। सो आपने 4 घंटे स्पेशलाइजेशन को दिए और 6 घंटे जीके को दिए, और जीके में भी आपने क्या काम किया, उस आपने वो चीज देखी कि भाई हाँ मेरे को एंशियंट और मेडिवियल हिस्ट्री को लेके कुछ बहुत सारी बच्चियां बता रही थी कि सर इसका क्या करें, हमने कुछ भी नहीं पढ़ा। देखो इसको लेके आपने, आपको मैंने बताया था एंशियंट मेडिवियल प्लस मॉडर्न जो ये तीनों है, ये सारी की सारी आप या तो ल्यूसेंट जीके से पढ़ो या तो आप तरुण गोयल से पढ़ो। बट तरुण गोयल का क्या है कि उसमें शॉर्ट दिया है और मीनिंगफुल है, उसमें ज्यादा बकवास मतलब बकवास तो नहीं है, एक्स्ट्रा नहीं है उसमें, ठीक है। तो यू कैन कवर दिस फ्रॉम द ठीक है, और ये चीज कर लिया आपने। और एक चीज मैं और यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, ऐड करना चाहूंगा कि आप मेहरबानी करके कोई भी नई चीज ना पढ़ें। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका जो है वो 3-4 टॉपिक्स आपके पेंडिंग है, आपके यूनिट्स पेंडिंग है, आपका जीके पेंडिंग है, तो फिर उस केस में तो भाई उसको नया ही पढ़ना है। लेकिन आप ऐसे हो आपकी आपने जैसे मैथ्स छोड़ दिया है, स्किप कर दिया मैथ्स के 5 मार्क्स, और आपको लगता है कि अगर मैथ्स का मैं पढ़ूंगी भी तो भी मेरा गलत हो जाएगा, तो जस्ट लीव इट यार, 5 मार्क्स का मसला है, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। अभी मैथ्स आप जैसे पढ़ने नंबर सिस्टम जैसे पढ़ने लगोगी नंबर सिस्टम को ही आपको 2 दिन लगेंगे आपको खत्म करने में, बिकॉज नंबर सिस्टम इन इटसेल्फ इज वेरी वास्ट, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा ये जो है वो करने की जरूरत नहीं है, ओके। तो
ये तो नहीं ना करें आप, जितना भी आपका पढ़ा हुआ है उसी चीज को आप रिवाइज करें। रिवीजन का मैंने आपको तरीका बताया रिवर्स लर्निंग का, उसके अलावा माइंड मैप्स एंड विजुअलाइजेशन, ठीक है। अब देखो यार, जब हम पढ़ रहे होते हैं बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें, जो हमारे माइंड में याद नहीं रहती, तो उसको हम ना माइंड मैप से याद रख सकते हैं, विजुअलाइज करके याद रख सकते हैं, या फिर निमोनिक्स से याद रख सकते हैं, ट्रिक से याद रख सकते हैं। निमोनिक्स और ट्रिक से याद आया, मैंने अभी फीमेल सुपरवाइजर आप सब लोगों के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी के चार टॉपिक्स कराए हैं, जिसमें मैंने फंडामेंटल राइट्स DPSP कवर कराया है, ट्रिक्स विद ट्रिक्स और एक और टॉपिक बोरोड फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंने उसमें कवर कराया है, जिसमें मैंने आपको ट्रिक से लर्न कराया है कि आप ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं आर्टिकल्स को। खैर अभी मैं आगे वो और भी आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन आप वो भी देख सकते हैं, ठीक है, वो आपको YouTube पे मिल जाएगा हमारी ऐप प्लेलिस्ट में। अच्छा, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, शॉर्ट अपने सामने रखते हैं, वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अगर आपने बनाए हैं तो शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके अलावा ये जो 6 नंबर पे है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रेपरेशन के टाइम पे, ठीक है, डाइट एंड स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। देखो यार, असल में आजकल का जो मौसम है ना, आजकल का मौसम बहुत ज्यादा गर्मी है, चाहे आप जम्मू में रह रहे हैं, चाहे आप श्रीनगर में, कश्मीर में रह रहे हैं, कहीं भी एनी पार्ट ऑफ द जम्मू और एनी पार्ट ऑफ द कश्मीर, चाहे पुंछ, रजौरी, डोडा, भद्रवाह, रामबन, किश्तवाड़, जहां पे भी आप रह रहे हैं, या फिर श्रीनगर में, कश्मीर में, कश्मीर के किसी भी कोने में, कुपवाड़ा, बारामूला, तो आज क्या है कि आज एक तो प्रॉपर नींद नहीं हो पाती है, रीजन बीइंग क्योंकि आज नाइट्स जो है वो बहुत छोटी है, और हमें सोते सोते ही शायद 12-1 बज जाते हैं, और सुबह फिर जागते जागते हमारे 7-8 बज जाते हैं, 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। तो क्या करना है कि प्रॉपर स्लीप को ऑप्टिमाइज करना है, स्लीप कम से कम 7-8 घंटे की लेनी है, वो मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। अगर आप 8 घंटे की नहीं आप बताओगे, इस एक हफ्ते के लिए आप थोड़ा एक्सट्रीम करो, 6-7 आवर्स की तो भाई होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि स्लीप से क्या होता है कि जब आप सोते हैं तो हमारा माइंड बॉडी रिचार्ज होती है, हमारे माइंड को अगर आप सोएंगे नहीं तो बहुत सारी चीजें हम लॉस्ट करने लग जाएंगे, बहुत सारी चीजें हमें भूल जाती है, और मेमोरी लॉस होता है लिटरली, अगर आप की नींद में कमी आ जाती है, आप अगर डेली का 3-4 घंटे सोते हो तो उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी और आप चीजों को भूलने लग जाएंगे, ये बहुत ज्यादा इसका कनेक्शन है इसके साथ। तो 6-7 घंटे का आप प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर घंटा मतलब एक शाम को अर्ली वो कहा है ना किसी ने कि अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो यही चीज है, ठीक है, यही चीज है। तो अर्ली टू बेड आप जाएं, देखो अभी अल्टीमेटली अगर आप कश्मीर में या जम्मू में है तो गर्मी तो है यार, अब जम्मू की जैसी गर्मी कश्मीर में नहीं है अल्टीमेटली, ये तो पता है, लेकिन स्टिल यार मैं आपसे सजेस्ट करूंगा मैं आपको कि आप ऐसा करें अर्ली टू बेड, आप क्या काम करें रात के 10 बजे 10 PM सो जाएं आप स्लीप, ठीक है, आप सो जाएं 10 बजे और फिर सुबह 5 बजे 5 AM, ठीक है, तो ये हो जाते हैं आपके पूरे 7 hours, और यही एक परफेक्ट स्लीप स्लैब होती है, स्लीप स्लॉट होता है, जिसमें हमारी माइंड को पूरा रेस्ट मिलता है, ठीक है, पूरी बॉडी को रेस्ट मिलता है, यहां पर आप सो सकते, ठीक है। उसके बाद स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, अब बहुत सारी लड़कियों को लगता है कि इनफैक्ट मतलब I was laughing too much जब मुझे मैसेज आते हैं, कमेंट्स आते हैं लड़कियों के कि सर हमारे सुपरवाइजर के सिलेब, हमारे सुपरवाइजर को पेपर को पोस्टपोन करा दो या पोस्टपोन हो जाना चाहिए, मतलब सीरियसली यार, मतलब आप लोगों ने पढ़ लिया है, आप लोगों का सिलेबस कवर है, आप लोगों को, आप लोग प्रिपेयर हैं, फुली प्रिपेयर हैं, लेकिन स्टिल यू वॉन्ट कि पेपर पोस्टपोन हो जाना चाहिए, ठीक है। मैंने डिमांड रखी थी कि भाई आपको 15-20 दिन आपको मिलने चाहिए पोस्टपोनमेंट के लिए, 15-20 डेज, लेकिन अब जब उसके बाद नोटिफिकेशन आया हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से कि अब विधानसभा इलेक्शंस J&K में होने जा रहे हैं और शायद नया नेक्स्ट कोड ऑफ कंडक्ट लगने जा रहा है,
तो भाई उस हिसाब से तो मैं कहता हूँ कि भाई पेपर आपका टाइम पे हो जाए, ठीक है, 20 दिन का भी आपको एक्सटेंशन मिलता तो भी कोड ऑफ कंडक्ट में आपके पेपर हो जाते हैं। लेकिन मेरा ये पर्सनली मैं फील करता हूँ कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट से पहले पहले आपकी रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि जब ये एग्जाम कंडक्ट करेंगे कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान, उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आउट नहीं कर सकते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान। तो मेरे हिसाब से ये एग्जाम भी कंडक्ट करें, रिजल्ट भी आउट करें, उसके बाद आप लोगों के हाथों में ज्वाइनिंग लेटर भी मिल जाए, आप ज्वाइन भी करें, तो यही मैं चाहता हूँ, ठीक है, दिस इज व्हाट आई वांट। तो अब यही है कि भाई ये ख्वाब छोड़ दो, ये ड्रीम्स छोड़ दो कि अब JKSSB पेपर पोस्टपोन करेगा, आने वाले 2 या 3 दिन में हमें एडमिट कार्ड नोटिस मिल जाएगा, ठीक है, एडमिट कार्ड की एडवांस नोटिस मिल जाएगी। एडवांस क्या मतलब, हाँ मतलब 3 या 4 दिन पहले आपका एक्टिवेट हो जाता है, तो हमें इसके बारे में इंटीमेट कर दिया जाएगा। अच्छा, डेली एफर्मेशन, लास्ट डेली एफर्मेशन का मतलब क्या है कि आप क्या काम करेंगे, आई विल क्वाली फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम, आई विल क्वालिफाई और आई विल क्रैक JKSSB फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम। आपने क्या काम करना है, जब भी आप पढ़ रहे होते हैं तो आपके फ्लैश कार्ड आपके सामने जो होते हैं उस पर लिख दिया, लिख दो डेली, आप लिखो मॉर्निंग में, लिखो आप आई विल क्वालिफाई JKSSB फीमेल सुपरवाइजर एग्जाम। तो जहां भी आप पढ़ते हो वहां पे आप सामने रखोगे, या आपका कार्डबोर्ड होगा या आपकी नोटबुक होगी जो आपके सामने पूरा दिन भर रहेगी। तो इससे आपको एक्स्ट्रा बूस्ट और एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं यार मैं करूंगी क्वालिफाई और मुझे करना है, और फिर आप सोचोगे कि नहीं अगर मैं क्वालिफाई करूंगी तो माई लाइफ वुड बी बेटर, मेरे घर वालों की लाइफ अच्छी होगी, मुझे ये जॉब मिलेगी तो आई विल बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, मुझे ये जॉब मिलेगी तो मैं अपनी नीड्स को पूरा कर पाऊंगी, मुझे ये जॉब मिलेगी तो डेफिनेटली आई विल मीट माई ऑल रिक्वायरमेंट्स। तो ठीक है, ये चीजें सोचनी है, इस चीज से डेफिनेटली मैं गारंटी देता हूं आपको ये चीज आपको बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगी, ठीक है। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैंने कोशिश की कि आपके साथ फजूल डिस्कशंस ना की और लास्ट पे एग्जाम टिप्स के बारे में बात की जाए। देखो, आपका एग्जाम को अभी 10 दिन है, लेकिन स्टिल मैं आपको चाहता हूं कि आप ये चीजें अपने माइंड में रखें। चीजें क्या रखनी है, देखो एग्जाम टिप्स और मिस्टेक्स आपने क्या करनी है। देखो, लास्ट मोमेंट का पता क्या होता है दोस्तों, लास्ट मोमेंट में जब हम एग्जाम के लिए जाना होता है, हमें तो एडमिट कार्ड हमने डाउनलोड कर लिया होता है, PDF हमारे पास पड़ा होता है, लेकिन हम उसको प्रिंट आउट नहीं करते, और जो JKSSB ने कहा होता है कि फोटोग्राफ्स लाने हैं या बाकी चीजें जो भी रिक्वायर्ड होती हैं, आधार कार्ड जो रिक्वायर्ड होता है वो अगर JKSSB ने मेंशन किया होता है, हमें पता नहीं होता है 10 दिन तक हमारा आधार कहाँ होता है। फिर लास्ट के मोमेंट पे, लास्ट के दिन पे हमें आधार कार्ड की याद आ जाती है, और फिर आधार कार्ड हेजट में हम ढूंढने लग जाते हैं, फिर पागल हो जाते हैं। तो आई वॉन्ट कि आप ये चीजें पहले ही एडवांस में तैयार करके रखें, आप एडमिट कार्ड अपना ढूंढ मतलब जब आएगा तो प्रिंट आउट करके सीधा रख देना, अपने घर वालों को किसी को बता दो प्रिंट आउट करके एडमिट कार्ड रख लो, आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, आपके पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स हैं वो भी आप सामने रख दो, ठीक है, निकाल के रख दो। और मैंने कहा आपको कि हाइड्रेटेड रहना है, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, आपने 7 से 8 घंटे का स्लीप लेना है आपने डेली, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर रही थी, उनका सिलेबस कवर है लेकिन स्टिल दे लैक दिस कॉन्फिडेंस, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि आप पॉजिटिव विजुअलाइज करें, आप पॉजिटिव सोचें कि नहीं मैं क्वालिफाई करूंगी और डेफिनेटली मैं करूंगी, और एक पोस्ट तो मेरी है, एक पोस्ट में ले जाऊंगी इसकी, ठीक है। तो उसके बाद पॉजिटिव रहें, डिस्कशंस को कम करें, फजूल डिस्कशंस ना करें मीडिया पे जाके, सोशल मीडिया पे जाके लोग क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद करते हैं, तो मैं आपसे मेहरबानी करके आप ऐसा ना करें, ठीक है। तो आप पॉजिटिव रहें, डिस्कशन को जो है वो लिमिट करें। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके साथ डिस्कस करनी थी, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, आई होप आपको मेरी वीडियो से हेल्प मिली होगी। वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, और इसके साथ में ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, अभी के लिए फिलहाल इतना ही है, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।